हिमाचल में कांग्रेस के 6 विधायकों ने जब से पाला बदला है तब से कांग्रेस को तो नुकसान हुआ ही है, लेकिन अब बीजेपी भी इस नुकसान की जद में आने लगी है। यही वजह है कि अब तक 3 बड़े नेताओं ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। कहा जा रहा है कि ये फहरिस्त और भी लंबी हो सकती है, लिहाजा पार्टी ने डैमेज कंट्रोल की कवायदें भी शुरू कर दी हैं और स्टेट यूनिट को एक्टिव कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं TV9। हिमाचल में राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के 6 विधायकों ने बगावत करते हुए बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार हर्ष महाजन को तो जिता दिया था, लेकिन अब उनकी विधायकी जाने के बाद उनका दोबारा जीतना मुश्किल होता जा रहा है। बगावत करके आने वाले 6 विधायकों को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया तो बीजेपी के पुराने नेताओं ने बागी तीवर तो दिखाई है, इसके साथ ही कई नेताओं ने पार्टी को छोड़ दिया है। पार्टी छोड़ने के बाद नुकसान केवल विधानसभा उपचुनाव में नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव में भी हो सकता है। लोकसभा चुनाव की बात क्यों होने लगी है तो इसके पीछे जो समीकरण बन रहे हैं वो बीजेपी की चिंता बढ़ाने वाले हैं। दरअसल कांग्रेस से आए जिन 6 बागियों को बीजेपी ने टिकट दिया है उनमें से 4 विधानसभा सीट हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में आती हैं, जिसमें सुजानपुर, बड़सर, गगरेट, कुटलहर शामिल है। वहीं 2 विधानसभाओं में एक कांगड़ा और एक मंडी सीट का हिस्सा है। लिहाजा हमीरपुर लोकसभा में आने वाली 4 विधानसभाओं पर बीजेपी के कई नेता बागी हो गए हैं तो कईयों ने पार्टी को छोड़ दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि हमीरपुर सीट पर बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है, लेकिन यहाँ के इतिहास की बात करें तो ये सीट बीजेपी की मजबूत सीटों में से एक मानी जाती है। हिमाचल की हॉट सीट और हाई प्रोफाइल सीट कही जाने वाली हमीरपुर पर 26 साल से बीजेपी का कब्जा है। साल 1996 में हमीरपुर सीट आखिरी बार कांग्रेस जीती थी जब कांग्रेस के विक्रम सिंह ने यहाँ से जीत दर्ज की थी। अभी की बात की जाए तो यहाँ से अनुराग ठाकुर लगातार 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के रामलाल ठाकुर को हराया था, लिहाजा एक बार फिर अनुराग ठाकुर को यहाँ से बीजेपी ने टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन इन 4 विधानसभाओं पर वोटिंग पैटर्न पर नजर डालें तो बीजेपी को दोहरा नुकसान हो सकता है। यहाँ एक तो अपने नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है जबकि बगावत करके आए विधायकों का भी इन इलाकों में विरोध है, लिहाजा बीजेपी का इन दोनों से पार पाए बिना चुनाव जीत पाना मुश्किल होगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।